भाजपा की भी अभी कोई सूची नहीं आई है अब सारी कैंडिडेट्स की, मैं समझती हूँ एक दो दिन में समाजवादी पार्टी की सूची आ जाए। ममता बनर्जी की हालत बिगड़ी हुई है, कई तरीके के लोग उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? कई तरीके की बयानबाजी हो रही है, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नहीं, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, उनके सर पे चोट आई है एंड वो घर अपने जा चुके हैं, स्टिचेस लगे हैं शायद माथे पे एंड अपने घर जा चुके हैं। आप देखेंगे कि वो दो चार दिन में एकदम कमेंट आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, चुनाव स्टंट है, जो खुद स्टंट मारते हैं वो हमेशा दूसरों को इसी निगाह से देखते हैं। मैम, सीएओ को लेकर क्या कहती हैं आप? जी, चुनाव का माहौल है और जनता के पास हम लोगों को समझाने के और बताने के बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं की रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो। तो सीए जैसे जो जो लागू किया गया एकदम एंड मौके पे, तो जनता समझ रही है कि यह चुनाव से डिफ्लेक्ट करने के लिए या लोगों का ध्यान हटाने के लिए मेन मुद्दों से इसीलिए सीए का मुद्दा है। मैम, हम इसलिए कह रहे हैं कि नागरिकता देने का कानून है, लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर लाने का अच्छा, नागरिकता देने का ये कानून है बहुत अच्छा है और अमित शाह जी ऑलरेडी इस पे पहले बोल चुके हैं, बहुत ज्ञान दे चुके हैं और मुझे लगता है कि अब लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब चुनाव का सीजन है, अब चुनाव में जो मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पे ध्यान देने के लिए बैलेट पेपर और वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर समाजवादी पार्टी ने ये बात कही है कि बैलेट पेपर एक माध्यम होना चाहिए जहाँ पे लोगों को एक तरह का भरोसा होता है कि वो अपना वोट कास्ट करके आए हैं, डालकर आए हैं और उसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती है। तो लोगों के अगर मन में कोई शंका है तो मैं समझती हूँ सभी देश, दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव करते हैं, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो, सब बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव हो रहे हैं। तो खाली भारत ही एक ऐसा देश क्यों बचे जहाँ पे अभी भी ईवीएम का प्रयोग हो रहा है, जब लोग मन में मंशाएं हैं तो मैं समझती हूँ सरकार को और सभी मशीनरीज को इस मंशाओं को दूर करके बैलेट पेपर से चुनाव। 6-7 सीटें इंडिया गठबंधन को दिखाई जा रही है, आपको क्या लग रहा है? सर्वेस जो ज्यादातर होते हैं बीजेपी स्पॉन्सर्ड सर्वेस ही होते हैं, जिस तरह हमको देखने को मिला है बॉन्ड वाला जो मसला आया है और जो चंदा नाम मिला है बड़ी बड़ी पार्टियों को, तो मैं समझती हूँ इस तरह के सर्विस का कोई अभी कोई औचित्य नहीं। बदायूं सीट को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि बदायूं सीट पे चाचा सतपाल चुनाव लड़ रहे हैं, चाचा जी, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि वहाँ चाचा भतीजे की लड़ाई छिड़ी हुई है। मैं समझती हूँ कि आदरणीय सतपाल जी का जो कैंडिडेचर है बहुत दिनों पहले ही घोषित हो गया था, तो उस टाइम उन्होंने ट्वीट नहीं किया, जब मैदान पे हैं आदरणीय शिवपाल जी और मजबूती के साथ जो लड़ रहे हैं चुनाव और जो ये सीट निकल के आने वाली है भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी ये सीट जीत रही है, तो कहीं ना कहीं खलबली मची है। मैम, अपर्णा यादव की सूचना आ रही है सभा में शामिल हो सकती हैं, आप स्वागत करेंगे? अगर राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस तरह कोई फैसला लेता है तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा साथ स्वागत। आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को जो है, मैं समझती हूँ अभी और भी उसमें जो चीजें रह गई है, जो जो उसका जो आइडेंटिटी कोड जो होता है, तो वो संख्या जो होती है वो भी नहीं आई है। मंडे को कोर्ट ने कहा है कि इसकी भी सूची एसबीआई दे। सीतारमण कह रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोट पहले से बेहतर है, वो तो अपने पक्ष को सही साबित करने की पूरी कोशिश करेगी। आपको क्या लगता है? मैं समझती हूँ एकदम क्लैरिटी आ जाएगी जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, जब ये आइडेंटिफिकेशन वाले जो ये नंबर्स आ जाएंगे कि किसने किसको चंदा दिया, चुनाव से पहले कितना चंदा मिला, तो ये अच्छी बात है। इस तरह की क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक सिस्टम में। मैनपुरी लोकसभा चुनाव में अगर भाजपा केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में उतारती है तो समाजवादी पार्टी किस तरह की फाइट दे पाएगी, क्या लगता है? मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी मैनपुरी में बहुत स्ट्रांग रही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि समाजवादी का जो बेसिक जो हमेशा से समर्पित रही है मैनपुरी सीट के प्रति और हमेशा से विकास के काम को ही हमेशा आगे लेके गई है और जो सही है समाजवादी पार्टी हमेशा उन्हीं के साथ खड़ी दिखाई दी है, तो मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। मायावती ने लगातार जो मायावती को है वो इंडिया गठबंधन लाना चाह रही थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि दलित विरोधी है, मायावती का बयान आया ऐसा नहीं है, ये कुछ तरह की चीजें ये मीडिया के माध्यम से छोड़ दी जाती है। मैं
समझती हूँ गठबंधन हो चुका है, जहाँ बीएसपी जो है वो तेलंगाना में साउथ में तेलंगाना में जहाँ वो टीआरएस के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, कांग्रेस के अगेंस्ट में गठबंधन किया है, तो मैं नहीं समझती हूँ किसी भी इस तरह की बातों में कोई भी सच्चाई नहीं। मायावती का बयान आया है कि सपा विरोधी है, दलित विरोधी। मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने खड़ी दिखाई दे रही है।